तो भाई लोग कैसे हो यार। मैं आ गया एक और खतरनाक सा वीडियो लेकर के। और भाई ये जो वीडियो है ना, यहाँ पे पहले 2 किल हो चुके हैं मेरे, देख सकते हो आप ऊपर, जो कि उसके बाद दो बंदों ने नॉक भी किया था, फिर मेरी पेटी बन जाती है। उसके बाद जब मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग ऑफ था मेरा ऑलरेडी। तो भाई फिर से उसके बाद ऑन करके दूसरे वाले इवेंट पे आता हूँ, और यहाँ आते ही अब इस वाले इवेंट पे उतने ज्यादा बंदे होते नहीं, क्योंकि भाई प्लेन काफी दूर से था इस वाले इवेंट से। तो फिर मैं अंदर आया, डब्बा खोला, लूट वगैरह कर लिया। उसके बाद सामने की स्क्वाड थी, अब ये बंदा भी सामने वाले स्क्वाड के होते, जिसको भाई किसी और ने नॉक किया, किल तुम्हारा भाई चुरा लेता है। इन दोनों का नाम पढ़ के रखना, क्योंकि इन दोनों बंदों को मैंने यहां मारा। और अब ये लोग भाई इतनी ज्यादा खतरनाक वाली कैंपिंग करने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पहले तो उनको मार के इधर आया, अब ये पापा का परा यहां उड़ने की कोशिश कर रहा था, दो झापड़ मार के जमीन भी गिरा देता हूं। अब ये बंदा जा रहा था नीचे, तो मैं समझ गया भाई नीचे कोई ना कोई तो होगा, ठीक है, तो मैं भी आ जाता हूं। और एक बंदा दिखाई देता है, इस बंदे को मारा। उसके बाद यहां दो बंदे मेरी टीममेट को कैंप करके मार देते, फिर मेरी टीममेट यहां दोबारा यहीं आती है, और वो बंदे जहां से मारे थे अभी भी वहीं कैंप करके बैठे होते हैं। देखते जाओ, अब यहाँ टीममेट बोलती है कि बंदे वहीं बैठे हुए अभी तक, मतलब कम से कम 6 से 7 मिनट से भाई बंदे वहीं कैंप करके बैठे थे। नेट कैसा लगा? मतलब दोनों बंदों के यहाँ तुम्हारा भाई उड़ा देता है, और नाम पढ़ने के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा बंदे क्यों कैंप करके बैठे थे। भाई बदले की आग में जल रहे थे, इनको मैंने स्टार्टिंग में मारा था। खैर नॉक करने के बाद यहाँ थोड़ा ट्रोल करते हैं हम लोग, पर ये लोग माइक कॉल पर नहीं करते हैं, तो निकलते हैं यार। अब इन दोनों बंदों को मारने के बाद भाई यहाँ से निकलता हूँ, और भाई काफी देर हो गया था इवेंट पे, जिसके वजह से जो जाते जाते भाई हमारा बुढ़ापा आ जाता है। देख सकते हो यहाँ कितने कम बंदे बचे हुए हैं, मतलब यार निकलते वक्त 28 बंदे थे और अब बचे 8, जिसमें से एक तो मैं ही हूँ। अभी यहाँ सामने एक स्क्वाड होती है, जिसमें से एक बंदा नेट से नॉक होता है, और ये देखते ही मैं रस मार देता हूँ, क्योंकि एक बंदा नेट से नॉक हो उसका मतलब दो स्क्वाड है। अब ये बंदे दोनों कोने में क्या कर रहे थे, छोड़ो ये सब पर्सनल बातें नहीं करेंगे। उसके बाद यहां दो बंदे बचे थे, और जो उन काफी छोटा हो चुका था, जैसे तैसे जोन के अंदर आके तुम्हारा भाई खतरनाक वाला सांप बन जाता है।
अब एक चीज आपको बताता हूँ, लास्ट जोन में अगर दो बंदे बचे, दोनों अलग अलग स्क्वाड के हैं, ठीक है, तो कभी भी फायर मत करना पहले। अगर आप उसमें से एक बंदे को देख के मारोगे तो पक्का है भाई दूसरा बंदा आपकी पेटी बना देगा, क्योंकि आपको दूसरे बंदे की लोकेशन नहीं पता है, पर आपके फायर करने की वजह से उसको आपकी लोकेशन जरूर पता चल गई, तो फिर आपकी पेटी बनेगी। अगर चिकन नहीं चाहिए तो मार सकते हो, चिकन चाहिए तो मत मारना, क्योंकि कुल मिलाकर किल आपको एक ही मिलेगा। अरे मैंने भी आपको सुबह भेजी थी अभी गोजवर पे। हाँ कितने बजे आते हैं आप लोग? आप मेरे खेलते क्या? तनो याद है तुमको वो जब दिल को चुराया, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का। वो जो उस दिन अपने साथ खेल नहीं रहा था, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो जब कैद कौन यार, नाम क्या था इसका, था एक वो कॉलेज वाला लड़का नहीं था? नहीं नहीं, वो बोल रहा था, कहता कि मैं रिक्वेस्ट से भेजता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऐसे। तो मोबाइल साथ में भाई ऐसी कुटाई हुई है ना, ऐसी कुटाई हुई है ना पिछले दो तीन दिनों में। वॉच आउट, प्लानिंग बढ़ी है। नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। कसम से भाई ये चीज मेरे साथ हमेशा होता है, मतलब अगर दो बंदा लूट रहा है यहाँ तो मैं अमू उठाऊंगा, सामने वाला बंदा गन उठा लेगा। अरे अनफॉलो कर दे, मैं बाहर हूँ, बाहर 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 बंदे बाहर ही, मैं नीचे ही उतरा ना, तो मेरे सामने टीम उतर गई थी, मैंने तो नॉक कर दिया। अब यहाँ एक टीममेट बाहर की साइड नॉक हुआ था, जो कि भाई बाहर क्यों गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने लैंडिंग तो भाई सही कराई थी बिल्कुल। अभी हेल्थ हमारा और भाई मेरे सामने साइड नीचे में भाई दो तीन बंदे थे, ठीक है, मेरे को पता था भाई पूरी स्क्वाड बैठी हुई है, मैं नहीं जा रहा था, पर टीममेट के चक्कर में जाना पड़ता है, और जैसे ही जाता हूँ अब मुझे पता था भाई पेटी बनेगी, फिर भी मैं गया कि क्या पता यार मार देते हैं, लेकिन यार लेफ्ट राइट आगे पीछे हर तरफ बंदे थे, और वो भी एक स्क्वाड नहीं दो स्क्वाड के बंदे थे। देखना अभी ये देखो जिसने मेरे को मारा पीछे, वो भी यहाँ नॉक पड़ा है, वो अलग अलग रैंडम जगह पे होता है ना। अब दोबारा इवेंट पे जाने का प्लान था, पर भाई कोई टीममेट नहीं जाता, बल्कि अपार्टमेंट के लिए बोल रहे थे, तो मैं अपार्टमेंट ही आ जाता हूँ, क्योंकि भाई रिएक्शन चाहिए तो रैंडम के साथ रहना पड़ेगा। बहुत टेंशन है यार। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, कोई नहीं कोई नहीं, लगाओ लगाओ। अरे तुम्हारी मुंडी नट रही है। अब यार पहली चीज तो भाई आपने देखा होगा मैं गाड़ी वगैरह में बैठ के फायर करता हूँ, तो मेरा एम उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार मैं जब भी खेलता हूँ 2v4 या 1v4 तो मैं गाड़ी में बैठ के फाइट ही नहीं करता कभी भी, इस वजह से भाई एम मेरा थोड़ा खराब है गाड़ी को लेके। चलो 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 चलो, चार नंबर महंगा आदमी है भाई टीम में। या 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 पीछे पीछे, क्या था ये, मतलब करने क्या आया था इधर? मेरी पांच की एमओ नहीं, स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। डाउनलोड करते हैं ना रिसोर्स पैक, तुम्हें दिखता क्या असला है। रोकना मत भाई, रोकना मत अभी। ऊपर ही है वो, ऊपर वाले को मारा ना। अब ये वाली स्क्वाड के दो बंदों को मैंने मारा था, लास्ट बंदे को टीममेट मार देते हैं, और भाई इस गेम में अभी तक आपको उतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन अभी मजा आएगा देखते जाओ। यार मेरे पास पैसे हैं, स्कोप लेने चलते हैं। अरे तो यही था बंदा बचा हुआ था। गाड़ी कौन चला रहा है भाई? दो गाड़ी आगे पीछे से।
अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि उतने में एक स्क्वाड नहीं दो स्क्वाड आ जाती है एक के बाद एक, और एक स्क्वाड मेरे नीचे लेफ्ट में थी और एक स्क्वाड राइट साइड में। अरे एक बंदा भाग गया नंबर चार भाग जा रिकॉल पे चला जा, रिकॉल पे चला जा बेटर है। कॉल खत्म है रिकॉल ट्रेन तो। अरे यार, अरे भाई यार, चार नंबर यहां तो बचा रहा है। नाइस ब्रो, एक बंदा मेरे सामने बचा रहा है। ऑसम सही भाई, यहां पर एक बंदा सामने बचा रहा मेरे। इन दोनों को मारते सबसे पहले यहाँ टीममेट को जाता हूँ रिवाइव देने, और भाई जहाँ मैं रिवाइव दे रहा हूँ ना पढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं। मेरी ने मिराटो गाड़ी से ना काफी गंदी स्लिप हो गई। देखा है बंदा, ऑसम इन बंदों को मारा, मतलब एक बंदे को मैंने मारा, एक बंदे को टीममेट मार देता, पर खेल यही खत्म नहीं होता। ये वही थे बंदे, हाँ मेरे को मारा ना वही वाले बंदे पीछे से मारा मेरे को। इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, पर बंदा नीचे सांप बन जाता है, लेकिन दिख चुका था तो नेट किया। इस बंदे को मारने के बाद सीधा भाग के जाता हूँ मैं पेटी लूटने। देखो रहा नीचे, पक्का तो नहीं दे सकता, वहां पर बंदा है, देख रहे हैं, बोल रहा हूँ ना वहां पर नीचे गाड़ी के पास, हम जहाँ मारे थे वहां पर गाड़ी के पास। अब मुझे पता था यहाँ बंदा है, पर भाई ये राइट में मेरे गाड़ी के पीछे बैठा हुआ, ये मेरे को आइडिया नहीं था, वरना मैं जाता ही नहीं यार पहले यहाँ से निकल जाता। खैर जो भी, मजा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।